तो आज हम समझ रहे हैं शेफ्स के बारे में। तो शेफ्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको शेफ्स का, और उसको यहाँ से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं टाइटल के अंदर। तो जैसे इसको टाइटल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सेंटर करेंगे, यहाँ से नज़र आएगा, एंटर करेंगे यहाँ नज़र आएगा। तो शेफ्स जो हैं बेसिकली, इनको तो बोलकर आहिस्ता बात करें, शेफ्स में हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे शेफ्स के ऊपर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोस, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स एंड क्लाउड्स, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं शेप्स की। अब इसमें से कोई भी अगर आपने शेप बनाना है तो आपने उस पर क्लिक करना है और ये जस्ट ड्रॉ कर देना है। तो ये एक अंदर ऑब्जेक्ट होगा जो आपने वर्ड पर क्रिएट कर दिया, एक टेक्स्ट होता है, ये शेप कहलाता है। इस शेप की कंट्रोलिंग होम में जाके हम यहाँ से एक सिलेक्शन पेन खोलेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्शन पेन के ऊपर ये शेप हमें यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा, और यहाँ पर इस शेप का स्टेटस भी नज़र आएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट में, दोबारा शेप्स पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, एक और शेप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये एक और शेप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट होने के बाद वो शेप जो है आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा इसको, कि मतलब आपको यहाँ पर ये रेक्टेंगल टू के नाम से दिखाई देगा। इसके बाद आपने कोई भी शेप बनाना है, कोई भी डिज़ाइन बनाना है, तो इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप वो जो डिज़ाइन हैं, वो जो शेप्स हैं, वो क्रिएट करते चले जाएंगे और ये क्रिएट होते चले जाएंगे। लेकिन जब भी आप शेप बनाएंगे तो हर शेप अपना स्टेटस इस सिलेक्शन पेन में शो करेगा, जो कि आपको होम में जाके सिलेक्ट में जाके सिलेक्शन पेन में मिलेगा। अब यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से इसका जो एरोज का बॉक्स है उस पर डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज टू भी इसका नाम रख सकते हैं वन, इसका नाम डबल क्लिक करके रख सकते हैं टू, तो यहाँ पर आप इसका नाम वन या टू यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम रख सकते हैं हम यहाँ पे थ्री, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हमने इसका नाम जो है यहाँ पे से रख दिया इसका थ्री, तो यहाँ पे आ गया हमारा, इसका नाम हो गया थ्री। तो ये हम इस तरह से शेप्स के नाम को चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, जब हम शेप पर क्लिक करेंगे तो एक और टैब एक्टिवेट होगा जिसका नाम है शेप फॉर्मेट। अब शेप फॉर्मेट क्या है, इस शेप फॉर्मेट में मुख्तलिफ पैनल है, जैसे इंसर्ट शेप का पैनल है, शेप स्टाइल का पैनल है, वर्ड आर्ट स्टाइल का पैनल है, टेक्स्ट का पैनल है, अरेंज का पैनल है। शेप स्टाइल्स के पैनल में जाएंगे तो हमें यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा बने बनाए स्टाइल, कोई भी स्टाइल आप इसमें से चूज कर सकते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, जिस स्टाइल को आप पिक करेंगे वो स्टाइल इस शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और ये स्टाइल इस तरह से आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो ये देखें इस तरह से मामला किए जा सकते हैं। शेप में जो भी स्टाइल आपने दिया तो उस पर क्लिक करेंगे, शेप स्टाइल पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर कोई अगर और कलर भरना है तो यहाँ से कोई भी कलर आप इसके अंदर भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके ऊपर कलर्स के अलावा आप मोर कलर्स में जाके काफ़ी सारे कलर्स खुद बना के ओके करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर पे क्लिक करके और यहाँ से आप क्लिक करेंगे फ्रॉम फाइल, तो अपने कंप्यूटर में से कोई भी पिक्चर जो है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ही हम ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे कंप्यूटर में जहाँ पर पिक्चर्स रखी है मैं उस फोल्डर में जाऊँगा, और जाने के बाद जो भी पिक्चर मुझे इस पर लगानी है उस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद उसको इंसर्ट करूँगा तो वो पिक्चर इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। इसी तरह ये काम आप किसी भी शेप के साथ कर सकते हैं। आप शेप लेंगे, क्लिक करेंगे और शेप पर क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद शेप को यहाँ रखेंगे और उसके अंदर कोई भी पिक्चर लगानी है तो यहाँ से पिक्चर में जाएंगे, और फिर इस तरह की पिक्चर आपके पास कंप्यूटर में अपने मौजूद होनी चाहिए, और वो पिक्चर आप ब्राउज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ से ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद आपको पता होना चाहिए पिक्चर कहाँ रखी हुई है। लेट सपोज हम इसके अंदर चले गए और इसके अंदर से ये वाली पिक्चर मैंने इसके अंदर लगा दी, तो ये पिक्चर इस तरीके से इसमें दिखाई दे रही है। अब पिक्चर भी लग गई शेप्स के अंदर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो शेप्स के अंदर हम ग्रेडियंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको आप क्लिक करके यहाँ पे लेंगे, और फिर शेप फॉर्मेट पे जाके यहाँ से आपने क्लिक करना है ग्रेडियंट्स के ऊपर। तो यहाँ क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट के ऑप्शन पे जाएंगे, और ग्रेडियंट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आप ग्रेडियंट पे आ जाएंगे। ग्रेडियंट्स कहते हैं शेड्स को, तो उसी कलर को जिसको आपने चूज किया है उसकी कलर के शेड्स आप अपने शेप के अंदर फिल कर सकते हैं, और इस तरह के ग्रेडियंट्स भी आप उस पर लगा सकते हैं। इसके बाद ग्रेडियंट्स के बाद आपके पास शेप फिल में अगला ऑप्शन आएगा टेक्स्चर का। तो अगर आप अपने शेप्स के ऊपर कोई टेक्स्चर लगाना चाहते हैं तो टेक्सचर लगाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक शेप की डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। मैंने इस शेप पे क्लिक किया कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, जैसे ही मैंने कंट्रोल डी दबाया तो इस शेप की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई, जिसको मैंने यहाँ पे रख के और यहाँ से शेप फिल में जाके क्लिक किया और यहाँ से जाके उसके ऊपर टेक्स्चर लगा दिया। कोई भी टेक्स्चर आप इसके ऊपर ईजिली लगा सकते हैं और आपको इस तरीके से नजर आएगा।
इसके बाद इसकी एक और कंट्रोल डी करके कॉपी ले ली, इसके बाद इसको भी यहाँ रख लिया और इस पर कोई दूसरा टेक्सचर लगाना है तो यहाँ से क्लिक करके टेक्सचर पे क्लिक किया और यहाँ से जाके एक और टेक्सचर इस पर अप्लाई कर दिया। इसके बाद इसकी जो आउटलाइंस हैं, अगर उस पर हमें थोड़ा सा काम करना है, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो शेप की आउटलाइंस को कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और आउटलाइन ख़त्म भी कर सकते हैं नो आउटलाइन करके। इसके अलावा आउटलाइन की थिकनेस पर भी काम कर सकते हैं, जिसका वेट हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। वेट बढ़ाने के बाद उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और कलर चेंज करने के बाद इस टाइम पर आ रहा, ये टाइम तुम्हारा आने का, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से हम इसका जो डैश है वो स्टाइल वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के भी स्टाइल्स और स्टाइल्स वगैरह हम यहाँ से चाहें इसके चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ से हम कलर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर्स पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप इफेक्ट्स का। शेप इफेक्ट्स में हम शेप को कोई भी बेहतर इफेक्ट्स बने बनाए दे सकते हैं। प्रीसेट्स में जाके ये इस तरह के इफेक्ट्स हैं जिसको हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके इस पर अप्लाई कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इस पर अप्लाई करेंगे, ये शेप इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से मुख्तलिफ प्रीसेट्स शेप्स को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप शेप्स को भी मैनेज कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ साथ, और इसको लगा सकते हैं। इनकेस अगर आप शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपने जो भी शेप क्रिएट किया है यहाँ से क्लिक करके उस पर राइट बटन दबाएंगे और ऐड टेक्स्ट करेंगे। ऐड टेक्स्ट करने के बाद इसके ऊपर जो है यहाँ पे जाके कोई भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया अगस्त 2024, तो यहाँ पे लिखने के बाद ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। शेप में टेक्स्ट जो होता है वो उसके कंटेनर में होता है, उसके बाद आप इसको ईजिली कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे आपने इसको पकड़ा, इसको यहाँ मूव कर दिया, इसको पकड़ा आपने, इसको यहाँ मूव कर दिया, इसको पकड़ा यहाँ पर मूव कर दिया, कंट्रोल डी दबाया, डुप्लीकेट कर लिया, और उसके बाद इसको नीचे यहाँ पे सेट कर दिया, कंट्रोल डी दबाया, उसके बाद आपने इसको नीचे यहाँ सेट कर लिया। उसके बाद आप इसको चाहें तो इसके अलग स्टाइल्स एंड कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसको एक अलग कलर और स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, और लेटर ऑन आप इसके टेक्स्ट को भी क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस तरह से शेप्स में कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। शेप को अगर टेक्स्ट के साथ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लेट सपोज ये तो हमने सिर्फ शेप शेप ही बना दी, और टेक्स्ट के साथ इसको मैनेज करना हो तो किस तरीके से करेंगे? हमने यहाँ पर ये देखिए आगे पीछे मूव हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हमने थोड़ा एंटर दबाया, जो शेप नीचे जा सकते थे वो चले गए, और अब हमने यहाँ पे क्लिक करके कुछ टेक्स्ट लिख लिया। तो यहाँ पे हमने 20 पैराग्राफ्स लिख दिए, तो वो देखें आप शेप जो है इसके नीचे चले गए, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आ गए। अब हम क्या करेंगे इन शेप्स को कि ये उनके साथ मैनेज हो जाएं, तो क्लिक करेंगे यहाँ से रैप टेक्स्ट के ऊपर, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट का। इसमें देखिए दो ऑप्शन है, स्क्वायर है, टाइट है, थ्रो है, टॉप एंड बॉटम है, और इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट है। तो अगर हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो कोई भी शेप हम जब पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, वो ऊपर नजर आएगा। और अगर हम किसी भी शेप पर क्लिक करके सपोज टू बी टॉप एंड बॉटम करते हैं, तो जब हम उनको टेक्स्ट के बीच में लेके जाएंगे तो टेक्स्ट उसके या तो टॉप पर या उसके बॉटम में एडजस्ट होगा, यानी कि उसके साथ नहीं आएगा, या तो टॉप पर एडजस्ट होगा या बॉटम में एडजस्ट होगा। और अगर हम उसके बाद टेक्स्ट रैप पे जाके इसके ऑप्शन लेते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये वाला जो शेप है हमारा, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे टेक्स्ट में, यहाँ पे क्लिक करके, तो ये आप देखेंगे कि ये इसके पीछे नजर आएगा, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट है ये उसके पीछे नजर आएगा, आगे नजर नहीं आएगा। और स्क्वायर अगर आप करेंगे किसी भी टेक्स्ट को, शेप को, तो यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे जाते हैं, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने में ये होगा कि जो आपका शेप के चारों तरफ टेक्स्ट पर रैप अप हो जाएगा। तो कैसे रैप अप हो जाएगा, ये देखिए इस वाले शेप के टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चारों तरफ रैप कर रहा है, इसका मतलब ये इसके साथ यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। तो इस तरह से आप रैप टेक्स्ट करके शेप को टेक्स्ट के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, जैसे टेक्स्ट आप लिख रहे होते हैं ये भी ऑब्जेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और ये शेप भी ऑब्जेक्ट है। इससे भी हम काफ़ी सारी इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, और इसके अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इवन टेक्स्ट लिख सकते हैं। खाली कैसे करते हैं शेप को, इस पर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ से फिल में जाएंगे, इसको कहेंगे नो फिल, तो ये शेप ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इसकी आउटलाइन पर जाके कोई भी आउटलाइन लगा देंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आउटलाइन इसकी इस तरीके से
नजर आएंगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आउटलाइन के ऊपर शेप इस तरह से नजर आएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और अगर किसी शेप की आउटलाइन खत्म करनी हो तो उस पर क्लिक करेंगे आउटलाइन पर, और यहाँ से जाके नो आउटलाइन कर देंगे तो उस शेप की आउटलाइन नहीं रहेगी, विदाउट आउटलाइन वो आपको नजर आएगा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई कलर भी डाल देते हैं और इसके आउटलाइन को अगर हम यहाँ से नो फिल भी कर देते हैं, अच्छा इस पर इफेक्ट्स लगा हुआ इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको प्री सेट पर जाके पहले सेट कर लेते हैं। अब जाके इसको नो आउटलाइन करने से पहले कलर देते हैं, लेकिन इसका तो आउटलाइन का कलर भी चेंज नहीं हो रहा, शायद इसकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इसके अंदर वर्ड में जिस वजह से ऐसा हो रहा है। एक नॉर्मल शेप पे हम ट्राई करते हैं इसको, इसमें हम एक कलर दे देते हैं, कलर देने के बाद हमने यहाँ से क्लिक कर दिया और आउटलाइन पर जाके इसको नो आउटलाइन कर दिया, तो ये देखें इसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म हो गई। इस तरह आप इसकी आउटलाइंस को भी ख़त्म कर सकते हैं।